नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं जानकारी आपको देने के लिए जा रही हूँ, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आपको लाइफ में अपनी तमाम चीजें मिल गई हो तो भी यदि आपकी लाइफ में किसी चीज की स्कैर्सिटी हो, किसी चीज की कमी महसूस होती हो, किसी चीज को लेकर के आप तकलीफ में हैं तो भी जरूरी है। मतलब दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप आबाद हैं चाहे आप बर्बाद हैं, ये काम करते रहना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, लाइफ में जितना ज्यादा जरूरी है भोजन करना, आप सपने कितने ही बड़े बड़े देख रहे हैं, सोच आपकी कुछ भी हो, लेकिन यदि आप स्वस्थ भोजन नहीं ले रहे हैं, पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर अच्छा नहीं है तो आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन अच्छा नहीं है तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं होगी, बुद्धि अच्छी नहीं होगी आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, कर्म अच्छे नहीं होंगे लाइफ बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो भोजन जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही ज्यादा आवश्यक है दोस्तों दान पुण्य करना। हम लोग लाइफ में तमाम चीजों को महत्व देते हैं, खान और रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, लेकिन दान को महत्व बहुत कम जगह दिया जा रहा है। हम शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूंजी निवेश हम मिलकतों में करते हैं, यहां वहां करते हैं कि आज हम इसमें 1 करोड़ रुपया डाल देंगे, 2 करोड़ रुपया डाल देंगे तो 4 साल बाद, 2 साल बाद ये हमें 3 करोड़ या 5 करोड़ हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा पूंजी निवेश, लेकिन दान के जैसा पूंजी निवेश कहीं नहीं है। सिर्फ हमें उसकी अहमियत का पता नहीं है। दान वो चीज है दोस्तों, जिन चीजों का आप दान करते हैं उन चीजों से जुड़े हुए ग्रह आपकी लाइफ में अपने शुभ आशीर्वाद बरसा देते हैं। हर जीव की लाइफ 9 ग्रहों के साथ जुड़ी हुई है। ग्रहों के मुताबिक यदि आपने दान कर किया, ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों का आपने दान किया, हर ग्रह से कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई होती है, तो आप 9 ग्रह को प्रसन्न कर लेंगे। यदि आपके ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न है तो आपके तमाम सपने सही होने लग जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको उन चीजों की जानकारी देने के लिए जाती हूँ जो शिव महापुराण में बताई गई है कि इन चीजों का दान करने वाला व्यक्ति हमेशा पैसों में खेलता है, करोड़ों में खेलता है, उसकी लाइफ में दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, उसकी 5 उंगलियां हमेशा घी में होती है, चारों तरफ से सुखी और संपन्न व्यक्ति होता है। ये खुद दोस्तों जो शिव महापुराण है, भगवत गीता, रामायण, आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको जीना आ जाएगा। ये तमाम वो ग्रंथ हैं जो आपको जीना सिखाते हैं, तो आज मैं आपको उसी की जानकारी देने के लिए जा रही हूँ। यदि अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर से बता दूं दोस्तों, इस जानकारी को, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके फेसबुक पर, इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर, जहां से भी आप कनेक्टेड है हर जगह इसे शेयर करें। घर बैठे दोस्तों इससे बड़ा पुण्य का और कोई काम नहीं है। आप जिन जानकारियों को शेयर करते हैं और लोग उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, और जितना उनका काम सिद्ध होता है उसका फल आपको घर बैठे ही मिल जाता है। तो जानकारियों को शेयर करें, ठीक है। शिव पुराण में दोस्तों कहा गया है, सबसे पहली चीज गुड़। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि गुड़ तमाम देवी देवताओं को प्रिय है। गुड़ से माता लक्ष्मी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। गन्ना, गन्ने का रस तमाम देवी देवता स्वीकार करते हैं। गुड़ का दान करने से दोस्तों आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी बहुत प्रेममय रहता है। आपके रिश्ते यदि कहीं बिगड़ गए हैं, रिलेशनों में कहीं खटास आ गई है, कहीं कड़वाहट आ गई है, तो वो कड़वाहट दूर होती है। गुड़ का दान करने से आपकी मिलकतें बढ़ती हैं,
गुड़ का दान करने से परिवार में आपकी स्थिति सम्मानजनक होती है, आपका जो प्लेस है बहुत ही रिस्पेक्टेड होता है। तो गुड़ का दान दोस्तों समय समय पर आप करते रहें, वैसे मंगलवार और रविवार इन दिनों में यदि गुड़ का दान किया जाए तो आपके मंगल आपको करोड़ों में खिलवाएंगे। सूर्य आपको चारों तरफ आपका नाम ही नाम रोशन कर देगा, आपका व्यक्तित्व एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेगा, दुनिया में आपका नाम रोशन होगा। तो खास करके इन दो दिनों में तो आपको गुड़ का दान करना ही चाहिए। वैसे इन तमाम चीजों का दान हर अच्छे वार त्योहार अच्छे दिनों में भी जरूर करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है दोस्तों घी। घी का दान करने से यदि आप लंबे समय से बीमार हैं तो बीमारी से आपको छुटकारा मिलता है। दूसरा, घी आपके घर का ऐश्वर्य बढ़ाता है। ऐश्वर्य कब बढ़ेगा? जब आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी, आपके घर का धन धान्य बढ़ता ही जाता है। साक्षात कुबेर आपके घर में वास करते हैं यदि आप घी का दान करते हैं समय समय पर। घी का दान करने वाला व्यक्ति दोस्तों कभी उसको ये नहीं होता है कि वो पैसों के लिए किसी के पास उसको भीख मांगने जाना पड़े, नहीं, हमेशा धन उसके पास आता रहता है। कई बार देखना दोस्तों लोगों के पास पैसे आते हैं और फिर चले जाते हैं, नहीं आपने सुना होगा कभी अमीर हो गए फिर गरीब हो गए फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, इस श्रृंखला चलती रहती है। क्योंकि जब धन आता है तो इंसान क्या करता है, समाज में परिवार में अपनों में उसका दिखावा करने लग जाता है, सिर्फ दिखावा, और उन लोगों को पैसे देने लग जाता है जो लोग उसकी वाहवाही करते हैं। पैसे आपके पास आए मतलब चमचे आपके पास आने वाले ही हैं, गुलाम लोग चापलूसी करने वाले लोगों की संख्या आपके पास बढ़ जाएगी। अब यही वो लोग हैं जो आपका पैसा भी लूट कर ले जाते हैं, आपकी इज्जत शोहरत सब लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि इंसान मद में आ जाता है, अरे वाह आप तो ये आप तो वो आप तो, अरे उस आदमी ने आपको ऐसा बोला मुझसे सहन नहीं हुआ, ऐसा बोल करके वो आपके 10,000 और ले जाएगा और आप देंगे खुशी खुशी देंगे। धन है आपके पास, गरीबों की सेवा करें। कुदरत जब किसी को पैसा देती है पावर देती है तो ये चाहती है कि अब ये व्यक्ति उन तमाम लोगों की सेवा करे जिनकी सेवा मैं नहीं कर पाती। इसलिए माँ जगदम्बा ये कुदरत आपको धनवान बनाती है, पावरफुल बनाती है, क्योंकि वो आपके थ्रू समाज को ऊपर उठाना चाहती है, गरीबों की मदद करना चाहती है। लेकिन होता उल्टा है, आज पावरफुल इंसान धनवान इंसान गरीबों को और ज्यादा खत्म करता है और ज्यादा उसका खून चूसता है और चापलूसों में अपने पैसे लुटा देता है, ऐसा ना करें। घी का दान करें, गरीबों को दें जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है घी की, आपके घर का ऐश्वर्य बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों अनाज का दान, तीसरा अनाज का दान करें। आपने सुना होगा कि कर्ण जब स्वर्ग में गए मृत्यु पश्चात, तो जब उन्हें भूख लगी, उन्होंने उनकी आत्मा वहां भूखी हुई, उसे उसे खाने की आवश्यकता थी, तो वहां पर उन्हें सोना चांदी रुपए पैसे ही उनके आगे डाले जा रहे थे। उन्होंने कहा क्यों, मुझे तो भोजन चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, जो स्वर्ग के देवी देवता था कि आपको अनाज नहीं मिल सकता क्योंकि आपने इन्हीं चीजों का दान किया था, यदि आपने अनाज का दान किया होता तो आपको अनाज मिलेगा। अब ये जो घटनाएं हैं ये संकेत रूप में आपको बताती हैं कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। कोई व्यक्ति भूखा बैठा है आप उसके पास लेकर के गए और तमाम चीजों का दान कर रहे हैं क्योंकि उसको उस समय भूख लगी है, उसको सबसे पहले क्या चाहिए, अनाज। खुद आप अपने ऊपर से देखिए, यदि आप बहुत भूखे हैं
तो आपको भूख के सामने कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं लगेगी, सिर्फ आपको अनाज चाहिए, अन्नमय शरीर है, है ना। अनाज का दान यदि आप करते हैं तो तमाम जीव जो सृष्टि में है उन्हें अनाज की ही आवश्यकता होती है, उसी से उनका शरीर पल बढ़ रहा है। जैसा व्यक्ति का शरीर बनता है वैसा ही उसकी आगे की स्थिति होती है, मन बुद्धि कर्म अच्छे बनते चले जाते हैं। अनाज का दान करने से आप एक नए जीवों का निर्माण करने में अपना योगदान देते हैं, शरीरों की संरचना होती चली जाती है, शरीर पनपते चले जाते हैं, घर में धन धान्य सदैव भरा रहेगा यदि आप अनाज का दान करते हैं। आपका शरीर भी हमेशा दोस्तों स्वस्थ रहता है यदि आप अनाज का दान करते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है तिल। कहते हैं तिल का दान करने वाला व्यक्ति, आप जमीन का दान करते हैं उतना ही फल आपको मिलता है तिल का दान करने से। स्वर्ण का दान करने से जो फल आपको मिलता है वो फल, वो पुण्य की प्राप्ति होती है आपको तिल का दान करने से। तिल का दान करने से दोस्तों जो आपके पितृ हैं उन्हें शांति मिलती है। आपके पितृ किसी भी योनि में घूम रहे हैं, आप तिल का दान करना शुरू कर दें, आपके पितृ उन्हें मोक्ष मिलेगी, उन्हें शांति मिलेगी और उनके शुभ आशीर्वाद से आपका घर बहुत ही रमणीय हो जाएगा, बहुत ही प्रेममय हो जाएगा, घर का कलह चला जाएगा। आपके जीवन में भी जो बार बार संकट आते हैं वो संकट दूर हो जाते हैं तिल का दान करने से। तिल का दान करने से बड़े बड़े रोग दोस्तों शरीर से दूर हो जाते हैं, तो समय समय पर तिल का दान भी आप जरूर करें। इसके बाद है दोस्तों नमक का दान। नमक का दान करने से जो आपने पिछले जन्म में या पिछली जिंदगी में कोई भी बुरे कर्म किए हैं, संकटजनक कर्म किए हैं, जो आज की लाइफ में आपको वो तमाम चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो आप चाहते हैं, तो आप नमक का दान करें। नमक का दान कभी अकेले नमक किसी को दाल में नहीं दिया जाता है, साथ में आप अनाज वगैरह कोई भी एक आधी चीज आप नमक के साथ दें, और नमक कभी सीधे सीधे किसी के हाथ में दे करके आप दान ना करें। नमक का दान करते समय नमक को और साथ में दी गई चीज को आप जमीन पर रखें और सामने वाले व्यक्ति से कहें कि वो उसको उठा ले। नमक का दान करने से आपकी वो तमाम इच्छाएं पूरी होती है दोस्तों, जो इच्छाएं लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है। तो इन तमाम चीजों का दान आपके जीवन में सुख और समृद्धि को लेकर के आता है, आपके जीवन को हंसी खुशी से भर देता है, जीवन के तमाम संकटों को दूर कर देता है, लाइफ में आई हुई कलह को दूर कर देता है। तो शिव पुराण में बताए गए ये तमाम चीजों का दान दोस्तों समय समय पर अवश्य ही करते रहे, जीवन में शिकायत करने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपायों को करते रहे और खुश रहे। जय श्री कृष्ण।